नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर देहात पुखराया कस्बा मीरपुर स्थित पापू यादव गौरी निवासी के आवास में भोगनीपुर विधायक विनोद कटियार की पत्नी प्रमिला कटियार को अमरौधा ब्लॉक प्रमुख में विजयश्री मिलने के दौरान भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान भाजपा समर्थक कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के बीच फूलों की वर्षा करते हुए जोर शोर से स्वागत किया। वहीं कस्बे में हो रहे सम्मान समारोह के दौरान कस्बे वासियों में काफी उत्साह का माहौल नजर आया। इस कार्यक्रम में कई गांवों के सम्मानित प्रधान व पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने भी पहुंचकर विनोद कटियार और उनकी पत्नी प्रमिला कटियार को जीत की बधाई देते हुए कुछ ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं से भी अवगत कराया। वहीं जब इस समस्याओं को लेकर विधायक विनोद कटियार और उनकी पत्नी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान करने के लिए ही जनता ने मुझे अमरौधा ब्लॉक प्रमुख का दावेदार बनाया है। मैं वादा करती हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर वह जमीनी तौर पर खरा उतरूंगी, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई समस्या ना रह सके और अमरौधा ब्लॉक क्षेत्र में लगने वाले सभी गांवों का संपूर्ण विकास हो सके। साथ ही विधायक विनोद कटियार ने पुखराया मीरपुर में अच्छे रोड और नालियों के विकास के साथ साथ छोटे ट्रांसफार्म की जगह बड़ा ट्रांसफार्म रखवाने की बात कही, जिससे कस्बे में अच्छी बिजली मिल सके, जिससे मीरपुर विकास की ओर कदम बढ़ा सके। विधायक के द्वारा मीरपुर में विकास को लेकर किए गए वादे को सुनते ही मीरपुर वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई और हर तरफ नाम गूंज रहा था, विधायक विनोद कटियार जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से संवाददाता जंग बहादुर सिंह की खास रिपोर्ट। आपका नाम परिचय और आज मीरपुर में यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है सम्मान समारोह का, इसका उद्देश्य क्या है और कौन कौन मुख्य अतिथि यहाँ पे आए हुए थे? अभी बाबू सिंह यादव, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य गौरी, वर्तमान में पत्नी मेरी क्षेत्र पंचायत सदस्य महिला, और आपके चैनल के माध्यम से मैंने चुनाव के पहले भी आपको अवगत कराया था कि 50 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने प्रमिला कटियार पर किया है भरोसा, क्योंकि ये एक शिक्षित और राजनीतिक परिवार से आती है। उनके पिताजी 4 बार विधायक हैं और उनके पति भोगनीपुर विधानसभा से विधायक हैं। इसलिए 50 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने हम लोगों ने भरोसा किया है कि हमारे ब्लॉक का सर्वांगीण विकास कराएंगे। 3-4 निवर्तमान ब्लॉक प्रमुखों से जो काम छूटे हैं, छोटे हों बड़े हों, उनको ये मुझे भरोसा है कि पूरा कराएंगे। गरीबों की सेवा करेंगी, शादी और विवाह में आर्थिक मदद भी करेंगी। ये हमें क्षेत्र पंचायत सदस्यों को पूरा भरोसा है। इसी के साथ हम लोगों ने 50 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने मतदान किया इनके पक्ष में और इसी के चलते आज तिसरापुरी मीरपुर में मेरा निवास है और यहाँ सम्मान समारोह रखा है। उस सम्मान समारोह में उनके पति विनोद कटियार विधायक भोगनी को शामिल है, मनोज यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी शामिल है और पप्पू प्रधान कमलपुर भी शामिल है और हमारे क्षेत्र के सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने हमको पूरा भरोसा के साथ वोट दिया है और हम खड़े उतरेंगे। मैडम, आपका नाम परिचय और जिस तरीके से अमरौधा ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुखी में आपको विजय श्री का तिलक लगा है आज एक कार्यक्रम को शाम जी अमरौधा ब्लॉक से विजय बनाने में हमारे जो छोटे और बड़े कार्यकर्ता बाबू सिंह यादव और उनके साथ लगे हुए बहुत छोटे बड़े कार्यकर्ता ने गांधी ये करके जो मुझे विजयश्री दिलाई है और संगठन के भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग और सदस्य और पूरा वर्तमान में लगे हुए जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर एक एक कार्यकर्ता का हाथ है और उन्होंने पूरा सहयोग दिया है मुझे जिताने में और विजयश्री दिलाने में, जो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा है और उनका मैं तहे दिल से अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। और ये बताना चाहती हूँ कि जो भी विकास के कार्य होंगे अमरौधा ब्लॉक में, नारी सशक्तिकरण से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और विकास का जितने भी होंगे, एक अंतिम व्यक्ति तक, छोटे छोटे से व्यक्ति तक जितना भी हो सकेगा विकास का पूरा कार्य करूँगी और वहाँ पर नारी सम्मान के लिए कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी।
मीरपुर में आज सम्मान समारोह लेके यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए चुनाव होने के उपरांत कितने महीने से क्या कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि बाबू या तो प्रमुखता से ब्लास्ट के चुनाव में लगे थे, तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि प्रमुख जी का मैं सम्मान समारोह करेंगे। ब्लास्ट होने का मतलब पूरे ब्लॉक में जितने भी लोग हैं उनकी सबकी सेवा के भाव से सेवा करना, उनके दुख दर्द में शामिल होना, उनके कार्यों को जो घर अधूरे पड़े उनको पूरा करवाना और ब्लॉक की व्यवस्था को चार चौंक बनाए रखना, क्योंकि अमरौदा ब्लॉक बहुत पिछड़ा हुआ ब्लॉक और इस ब्लॉक में काम बहुत कम हुआ, पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। तो अपनी समस्याओं को बताना, जैसे अभी जहाँ पर हम लोग बैठे हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर छोटा लगा हुआ है, अब चूँकि घर काफ़ी बन गए हैं, अब चूँकि आबादी के घर बने हुए हैं तो यहाँ पर रोड की व्यवस्था नहीं है, रास्ते हैं तो नालियाँ नहीं हैं, नालियाँ हैं तो उसमें बिजली व्यवस्था नहीं है, अगर बिजली व्यवस्था भी है और नालियाँ भी हैं सब कुछ है तो वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है। इस तरह की व्यवस्थाएँ बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका समाधान क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से या विधायक होने के नाते मेरे माध्यम से कराए जाने हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं हैं, हर क्षेत्र की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, उस समस्याओं का निस्तारण और निदान करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ स्थल पर जाया जाए, उन लोगों से मिला जाए, उनके दुख हुआ जाए और उनकी भावनाओं को समझा जाए।